ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। टीचर ठीक है तो बच्चे भी ठीक है, है ना। बच्चों को समझाओ तो कोई फायदा नहीं। घर में माँ बाप देख लो, एक माताजी थी, ऐसे मैं सुना रहा था लंदन में, ऐसे मैं सुना रहा था, बहुत माताएं भाई बहने थे, बुजुर्ग थे। तो आज के दुनिया में माँ बाप को बच्चे वृद्धाश्रम में रखते हैं। सब लोग बोलते हैं बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। तो मैंने एक शब्द बोला, बच्चों को बिगाड़ा किसने? तो एक माताजी पीछे रोने लगी, तो ऊपर बैठते ना दिखाई देता है, बहुत थे। तो मैंने कहा देखो लास्ट माताजी बैठे रो रही है, बीमार होंगी। दूसरी माताजी को कहा माताजी देख लो रो रही है, शायद बीमार है। उठ के खड़ी हो गई, भाई जी मैं बीमार नहीं हूँ, आज आपने एक शब्द बोला। तो क्या बोला मैंने कि मेरे दो बच्चे हैं, दोनों को शादी करके दिया, एक दिन भी मेरा मुंह नहीं देखते हैं। मैं सोच रही है बच्चे बिगड़ गए, लेकिन आज आपने एक शब्द बोला, बच्चे को बिगाड़ा किसने? मैं थोड़ा सोचा, मैंने बिगाड़ा, बच्चे छोटे थे, उठते नहीं थे, स्कूल में जाते नहीं थे, बहुत मारती थी, गुस्सा करती थी, मार के गुस्सा करके भेजती थी स्कूल में। तो ऐसे बच्चे माँ बाप का दर्शन करेंगे? हमको उनको मारते समय, गुस्सा करते समय, उस समय पता नहीं चलता है। बीज बोते समय कौन सा बीज बोया, फल जब निकलता है तब पता चले बड़ कड़वा फल है, तो बीज किसने बोया था। बच्चों को मानते हो, जानबूझ के तो नहीं करते, उनको मारना गुस्सा करना, हमारा तनाव उनके ऊपर। तो ऐसे बच्चे माँ बाप की सेवा करेंगे? माँ बाप बच्चे बिगड़ गए नहीं, किसने बिगाड़ा? तो फिर पूछने लगे, भाई जी हम जाके माफी मांगे। हमने कहा माता जी माफी मांगने से जो जाएगा नहीं, आप जानते हो बच्चों की जन्म तिथि कितना कब है, आप केक बना के ले जाओ, खाना बना के ले जाओ, आप जाओ, अभी वो नहीं आएंगे। अगर दो चार दफा दादा, अभी मम्मी आती घर में बोलती नहीं कुछ, कुछ परिवर्तन करके दिखाओ, तब उनका विश्वास होगा। कर्म करके दिखाना पड़ेगा, पहले हमने कर्म गलत किया, बच्चे मानते नहीं, सुनते नहीं, मारते हैं, गुस्सा करते हैं, उस समय किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे ही है ना, घर छोड़ के अलग रहते हैं, सब क्यों हो रहा है? हमें भी परिवर्तन करना जरूरी है, उनको परिवर्तन करना, ये समझते हैं हमारी आचरण ठीक है।